हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं शुभेंदु सरकार और आप सभी का स्वागत है रिदम लेसन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ढोलक का लेसन लेकर आया हूं और आज का वीडियो इतना जबरदस्त होने वाला है। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बारीकी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें दो चीज मैं आपको आज बताऊंगा, एक तो एक पैटर्न जो कि कहरवे में है और दूसरा मैं एक रियाज का बोल जो कि उस पैटर्न के साथ ही जुड़ा हुआ है और बहुत जरूरी है उस पैटर्न को उस तरीके से सीखना। तो आइए सबसे पहले मैं रियाज का बोल बोलूंगा, फिर उसके बाद जो जो कहरवे वाला पैटर्न है, बहुत ही प्रसिद्ध पैटर्न है, उसको हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले जो एक रियाज का बोल है वो सीख लेते हैं। देखिए, तो आपने देखा ये रियाज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अधिकतर तिरिकिट का जो तिकता तिरिकिट है वो हम तबले जैसा नहीं बजाते हैं, वो हम इस तरीके से नहीं बजाते, वो हम इस तरीके से बजाते हैं, तो उल्टा इसका पड़ता है। ये रियाज करना बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है मैं आपको धीरे धीरे करके बताते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका रियाज कैसे करेंगे। तो देखिए, तिक तिरिकिट है ना, तिक इस तरीके से थपकी, ये ढोलक वाला थपकी है, ये तबले वाला थपकी नहीं है, तो इसलिए आपको अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा। देखिए, टिक इस तरीके से है ना, तीन उंगली आप इस तरीके से रखें इसको इस तरीके से और ऐसे इसको थपकी बजाए, ये टिक धा धा इस यहां पे खुला है बिल्कुल। देखिए, ये बिल्कुल खुला है और ये इस तरीके से ऐसे भी बजा सकते हैं आप। ये जो ता बज रहा है, देखिए जो ढोलक का ता होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इसमें आपको फोल्ड करना नहीं पड़ता है, ये सिंपल आप इसको इस तरीके से बजा सकते हैं। तो तिक धा ती र की ट है ना, ती र की ट, यहाँ पे खुले हाथ का पड़ता है अधिकतर, तो आपको खुले हाथ का सीखना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप इस तरीके से सीख ले। ये देखिए, ये का मतलब यहाँ पे चिपका हुआ बोल, आप चाहे इस तरीके से भी रियाज कर सकते हैं, ठीक है। ढोलक है, जोरदार पैटर्न इसमें बजता है, सॉफ्ट बहुत कम बजता है, इसीलिए आप इसको जिस तरीके से समझ पा रहे हैं उस तरीके से अच्छे से समझिए और जोरदार बजाने की कोशिश कीजिए। तो तिक धा ती र की ट, देखिए ती र की ट, और फिर उसके बाद क्या है, अब आता है रियाज का पैटर्न। पैटर्न क्या है, पहले हमने क्या बजाया, धा तिरिकिट, उसके बाद क्या है, तिक तक तिरिकिट, तो तिक तक तिरिकिट, ती क ता, देखिए ता कहां पर है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये जो पूरा सराउंड वाला आप देख रहे हैं यहां पे नहीं है, यहां पे भी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, तो तिक, देखिए तिक बिल्कुल बीचों बीच यहां पे आ रहा है, तिक बीच मतलब ढोलक का बीच नहीं, यहाँ पे इस एरिया के बीच में, यहाँ पे तो तिक, यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो तिक तक तिरिकिट, ती क इस तरफ यहाँ और फिर क ता क फिर ती र की ट। तो रियाज क्या करना है, आप चाहे तो हाथ को इस तरीके से भी बजा सकते हैं, ये भी एक बहुत बेहतर उपाय है बजाने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से इस तरीके का यूज होता है, बहुत जगह पे, बहुत सारे तिहाइयों पे, बहुत सारे उठानों पे इस तरीके से यूज किया जाता है तरीके का। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। अभी देखिए, इस तरीके से एक
कहरवा में स्टार्ट करूंगा इसका एक उठान लगा के। क्या बजाया मैंने, टिक धा ती रे किट, टिक तक ती रे किट, और फिर ता कीट ता कीट ता, या फिर ता कीट ता कीट ता, दो तीन पैटर्न है, ता कीट ता कीट ता, ता कीट ता कीट ता, जो आपको सुइटेबल लगे वो आप सीख सकते हैं। किस तरीके से, ता की ट, देखिए ता के साथ का भी है इस तरफ, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ता कीट ता कीट ता ऐसे नहीं बजाना है, ता के साथ का बजाना है ता की ट, और जो ट का साउंड आएगा ना वो थोड़ा सा डायनेमिक, मतलब डायनेमिक रेंज उसका लो होगा, कैसे, ता की ट, वॉल्यूम उसका कम होगा, ता की ट ता की ट ता, और जितने सारे ता के साथ का बज रहा है इसका मतलब वो हाई वॉल्यूम के साथ बजेगा, ता की ट ता की ट ता, है ना, ता वॉल्यूम तेज है और की यहाँ पे नॉर्मल वॉल्यूम, ता जो है वो थोड़ा सा कम वॉल्यूम के साथ, तो ता की ट ता की ट ता, है ना। ये ठेका आज मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन ठेका है। इसको देखिए बजाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, दाहिने का सबसे पहले लूप देख लेते हैं, देखिए ते 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 ता ते 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 ता ते 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 ता, या फिर कहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो 1 1 इस तरीके से, हाथ देखिए ऐसे आ रहा है, ऐसे मत रखिएगा आप हाथ को, ये गलत तरीका है, फिर आप कहेंगे मेरे हाथ से स्पीड क्यों नहीं बज रहा है, हाथ को थोड़ा सा स्विम के साथ रखिए, ये पैटर्न हाथ का पैटर्न ये होना चाहिए, बाकी स्विम इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, ये आप समझ लीजिए इसमें, तो ते 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 ता ते 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 ता ते 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 ता ते 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 ता ते 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 ता ते 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 ता, ता ये खुला हुआ है, और ता का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा ज्यादा है, किस तरीके से, ते 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 ता ते 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 ता ते 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 ता ते 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 ता, यहाँ पे के को इस तरीके से स्लाइड करके म्यूट कर देना है, है ना, बिल्कुल बीचों बीच लेकर आप इसको स्लाइड करके म्यूट कर सकते हैं, तो धे ते धे, अब जो स्लाइड करके आप गए थे उसको दूसरे वाले धे में वापस लाना है इस तरीके से, खाली डग्गे को इस तरीके से छूकर, ठीक है, ये ओपन है कहीं पे टच नहीं है ये, तो धे टे सिंगल यहाँ पे, धे के साथ यहाँ पे टे के साथ यहाँ पे गे बज रहा है, ये धे टे धे ता, अब ता के साथ यहाँ पे का बज गया ये इस तरीके से, तो धे टे धे ता, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो मेरा फिंगर है ये, इसको मैं टेढ़ा इसलिए रखता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ने पर मैं इससे भी का बजा सकता हूँ, जरूरत पड़ने पर मैं इस तरीके से भी बजा सकता हूँ, इसीलिए मैंने अपने फिंगर को टेढ़ा कर रखा है, अगर आप चाहते हैं कि इसको सीधा करके बजाएंगे तो भी आप बजा सकते हैं, तो क्या बजाना है, धे ते धे ता, और फिर ते ते, देखिए ते ये सेकंड पल्ला है, ते ते ते, यहाँ पे क्या कैसे बजाया मैंने, सिर्फ फर्स्ट फिंगर से इस तरीके से इसको स्टॉप कर दिया डग्गे में, तो ते ते धे ता, धे किस तरीके से बजाया, यहाँ पे ते है और गे को थोड़ा सा प्रेशरली बजा दिया क्योंकि ये सेकंड लास्ट वाला गे है, ठीक है, तो धे टे धे ता ते टे धे ता, है ना, अब कैसे बजा देखिए, धे टे धे ता ते टे धे ता, ए
एक चीज और बता दूं, जो स्लाइड कर रहा हूं वो बहुत ज्यादा स्लाइड नहीं है, बस इतना सा। अगर आप चाहे तो नीचे की तरफ भी स्लाइड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो ऐसे सीधे की तरफ भी स्लाइड कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं इस तरीके से भी, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोनों ही बेहतर है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। और जो स्लाइड है वो यहां से लेकर यहां तक कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा स्लाइड नहीं करना है। तो देखिए टोटल मिला के क्या बज रहा है, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।